आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसानों की आवाज़ को कम से कम 200-250 किसानों ने मल्हारगढ़ में ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन वही सौंपा जो मेक इन इंडिया को मजबूती प्रदान करेगा, आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और भ्रष्टाचार युक्त बनी अफीम खेती की नीति भ्रष्टाचार युक्त ही नहीं असंवैधानिक भी है, सौंपा गया मार्फिन नियम समाप्त किया जाए और 1998 से 2020 तक जितने भी कटे अफीम कट्टे वो बहाल किए जाए। ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री मोदी को तहसीलदार मोदी के माध्यम से दिया है, और यदि हम लोग किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। और ये नेता और अधिकारियों की मिली भगत से विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को घटिया किया जा रहा है। लॉजिकली अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। और सही राम सुधीर यादव अगर मरे वर्ड गलत है तो सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट कर लिया जाए। आप लोग अफीम का पूरा मूल्य देते नहीं हो, किसानों को ब्लैकमेल करते हो, किसान में एकता नहीं है। अरे 1,000 साल नहीं होगी, जब आप नेता हो नेता नहीं थे तभी अफीम विदेश में जाती थी, आप जब अधिकारी हो अधिकारी नहीं थे तभी विदेश में अफीम जाती थी, अब बोल रहे हो साहब अफीम घटिया कैसे होगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है हमारा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग चाहेंगे अफीम खेती की नीति 2021 जल्द से जल्द सुधार हो और 1,60,000 अफीम किसानों को कटे अफीम पट्टे दे करके थोपा गया मार्फिन नियम वापस ले और 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम अफीम को मंडी दिया। क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख तो मांग साहब जो मेक इन इंडिया बन रहा है तो उसमें अफीम खेती प्रमुखता से आती है। अब 1998 से काटे के सारे पट्टे दो और थोपा गया मार्फिन बंद करो। इन्होंने क्या मार्फिन का एक ब्लैक डॉग पीछे छोड़ दिया है, 4.2 मार्फिन पिछले वर्ष 4.0 था, इस पॉइंट 4.2 कर दिया तो फिर अगले साल छोटे थोड़े और बढ़ा देंगे, तो षड्यंत्रपूर्वक अफीम को खत्म कर रहे हैं, लॉजिकली किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा किसान तो बेचारा बोला है, और मैं टीचर हूँ तो जैसे मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया ही नहीं और उससे उस पार्ट में से प्रश्न पूछेगा तो अल्टीमेटली मेरा इरादा उस बच्चे को फेल करने का रहा। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो मेक इन इंडिया है उसमें अफीम खेती आती है, समृद्ध भारत का जो जरिया है अफीम खेती है, और आत्मनिर्भर भारत जो 1,60,000 किसान पहले 50,000 की अफीम खेती करते थे और 5,000 की अफीम करती, तो कहीं ना कहीं लॉजिकली माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री ने 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर हम लोग 2008 से धरना दे रहे थे तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। हाँ ये जरूर अलग बात है, सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप जैसे भ्रष्ट अधिकारी अफीम खेती की नीति के आड़ में करोड़ों रुपये लूट गए, हमको वो पैसा भी चाहिए। सिर्फ जय बोलने से काम नहीं चलेगा, किसानों की जय बोल लो और किसान का काम ना करो ये तो इनकी देश के साथ धोखा है, और उस धोखे को मांगीलाल मेघवाल बिलोट ही नहीं 1,60,000 किसान बर्दाश्त नहीं करेगा।